आज हम ट्री कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। पहले हम ट्री का एक छोटा पार्ट करके देखेंगे और फिर कंप्लीट ट्री कलर और ड्रॉ दोनों करेंगे, मगर पहले ये एक छोटा पार्ट करेंगे। इस तरह से तुम्हें ड्रॉ करते आना चाहिए, फिर येलो कलर और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन कलर मिक्स करना है और इस तरह की से उसे अप्लाई करना है। फिर इसके अंदर थोड़ा डार्क करने के लिए ऑलिव ग्रीन कलर हम मिक्स करेंगे। और उसके हल्के हाथ से मिक्स करते हैं। ऑलिव ग्रीन कलर लिया, उसमें थोड़ा डार्क ब्लू मिक्स किया और नीचे के साइड से ऐसे डार्क किया। इतना हमें आना चाहिए। एक कंप्लीट ट्री करने के लिए इतना आना जरूरी है। अगर ये कर सकते हैं आप तो कंप्लीट ट्री भी कर सकते हैं। अब हम एक कंप्लीट ट्री ड्रॉ करते हैं। आराम से करो, घाई नहीं करना है। ऊपर एक बड़ा ग्रीन पार्ट किया, उसके नीचे ब्राउन कलर दिया, बस हो गया ट्री। ऐसे नहीं करते। ड्राइंग हमारा लाइट होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले जैसे मैंने किया था येलो और ऑलिव ग्रीन, ये मैंने मिक्स किया है। और हर बंच के ऊपर के साइड में मैं ये कलर अप्लाई कर रहा हूँ।
उसी में मैंने थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन मिक्स किया है डार्क करने के लिए। अभी मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ, मिक्सिंग में बाद में करूँगा। इस तरह से सभी जगह ऐसा करना है और इसके बाद फिर और डार्क शेड हम बनाएंगे और उसे भी अप्लाई करेंगे। वही कलर में हम ब्लू ऐड करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे उसको मिक्स करके लेते हैं जो हमने सिर्फ अप्लाई किया था, उसे थोड़ा थोड़ा मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने से पहले मैंने ब्रश को धो के कपड़े से साफ किया और फिर बाद में मैंने मिक्स किया। ब्रश में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए मिक्सिंग के टाइम। अभी मैंने ऑलिव ग्रीन में ऊपर जैसे दिखाया वैसे ब्लू ऐड किया और अभी मैं सब जगह दे रहा हूँ। पहले सिर्फ कलर दे के लेना है, मिक्सिंग नहीं करना है। और ब्रश के आगे वाले टिप से ये कलर होता है, पूरा ब्रश पेपर को टच नहीं करते हैं। आपको कौन सा ब्रश लेना है ये आपको खुद समझ में आना चाहिए। ज़्यादा छोटा भी ब्रश होना नहीं चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी ब्रश नहीं होना चाहिए। ऐसे ब्रश नहीं लगाते। नीचे के हिस्से में मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ।
तो ये हो गया इस तरह से हमारा ऊपरी पार्ट। फिर हम नीचे थोड़ा सा येलो ऑकर का वॉश करेंगे। नीचे सिर्फ ब्राउन कलर लिया और उसको दे दिया, उसमें थोड़ा सा ब्लैक डाल दिया, ऐसे नहीं करते हैं, आराम से करो। पहले येलो ऑकर का वॉश किया मैंने, फिर इसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन ऐड करूंगा। यहाँ पे ट्री की शेडो होती है, इसके लिए मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ। जल्लो ऑकर दिया है तो वो कहाँ पे तो दिखना चाहिए, पूरा उसको मिटाना नहीं है। फिर उसमें मैं थोड़ा और ब्राउन ऐड करूंगा और थोड़ा सा ब्लू मिक्स करूंगा। ब्राउन में थोड़ा ब्लैक डालने से अच्छा है कि ब्लू डाले। ऊपर के साइड मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क किया है शेडो दिखाने के लिए। उसमें मैंने और ब्लू ऐड किया और ऊपर और डार्क कर रहा हूँ। पूरा ट्री को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे डार्क करना है। तब हमें ट्रीज की जो लाइंस होती है वो करना है। इसके लिए आपको ऐसी बारीक लाइन करने आनी चाहिए, बस ब्रश लिया और खींचा लाइन, ऐसे नहीं, उसको बहुत नाजुक हाथ से करना होता है। अगर आपके पास 0 नंबर या 1 नंबर ब्रश है तो आप प्लीज़ ब्रश को चेंज कीजिए और इतनी बारीक लाइंस आपकी होनी चाहिए और लाइट भी होनी चाहिए। सबसे पहले लाइट कलर करते हैं, फिर थोड़ा डार्क और फिर बाद में थोड़ा डार्क।
कुछ बच्चे एक बार ब्राउन कलर लेते हैं ब्रश में और बस ऐसे स्नेक जैसी लाइन खींच देते हैं, बस हो गया, ऐसे नहीं। ब्रश के आगे जो पॉइंट होता है उससे बारीक लाइन करनी होती है, फिर थोड़ा डार्क करते हैं ऊपर की साइड में और फिर और थोड़ा डार्क, बस। ऐसे उसे आहिस्ता आहिस्ता करना है। ऊपर से थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, एक ही कलर दिया और ऊपर से नीचे तक वही किया, ऐसे नहीं करना है। कुछ बच्चे कलर लेते हैं और सिर्फ ऐसे जिगजैग लाइन करते हैं, बस हो गया, ऐसे नहीं करना है, आराम से करो। तो ये हो गया हमारा ट्री, थोड़ा डार्क यहाँ पे भी करते हैं जैसे हमने लेफ्ट साइड में किया, हल्के हाथ से करना है उसे। फिर नीचे थोड़ा लाइट ग्रीन कलर ग्राउंड दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर थोड़ा ये ब्राउन कलर में उसमें मिक्स करता हूँ ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपना ट्री ग्राउंड के ऊपर पेस्ट किया है, कहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट किया है, ऐसे नहीं लगना चाहिए। थोड़ा उसमें मिक्स किया है मैंने ग्राउंड में। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करो, आपके पास अभी अच्छा टाइम है, आप ये घर में कर सकते हैं, काफ़ी इजी मेथड है। और भी ट्री के अलग अलग पैटर्न हैं, वो मैं सब आपको आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन सिखाऊंगा, उसमें से ये एक ट्री है। फिर कभी कोकोनट ट्री वो भी करेंगे, बनाना ट्री वो भी करेंगे, ठीक है। अब आप भी ट्राई करो।